और इसे बड़े बाज़ा तरीके से मना रहे हैं। पाकिस्तान हमारी ये बड़ी मोहब्बत है और हुबुल वतनी एक बहुत बड़ा जज्बा है। तो हमारे साथ जैसे एशियाई की सारी टीम मौजूद है, एशियाई के मैनेजिंग डायरेक्टर सलीम जहांगीर साहब भी हमारे साथ हैं। तो सर मैं ये चाहूँगा कि आप हमारी सारी टीम को भी और जो सुनने वाले नाज़रीन हैं उन्हें कोई इस यौम आज़ादी के मौके पर ऐसा पैगाम दें कि मसायल तो बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ज़ाती तौर पर फरादी तौर पर क्या ऐसा रोल अदा कर सकते हैं कि जिससे वो एक चिराग रोशन हो और उसकी रोशनी जो है पूरे माहौल में फैलना शुरू हो। एक तो हम सबको, एशियाई टीम को, हमारे घर के तमाम अफराद को, पाकिस्तान के तमाम वासियों को जश्न आज़ादी होगा। आज़ादी कहने का नहीं, आज़ादी महसूस करने की चीज़ है। वो किस तरह से जब आप आसानी से सांस ले सकते हैं, आप महफूज तरीके से कहीं मूव कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकते हैं अपने अपनों के साथ, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा आज़ादी का एहसास ये है। जो आपने सवाल किया कि हम क्या कर सकते हैं, होता ये है कि हम अपने अमूमन घरों में भी रहते हुए हर नेमत को, हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से मुल्क की भी सूरतें होती है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जो हम तवक्को माशरे से रखते हैं बतौर माशरे के साथ, वही करना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम चाहते हैं कि सब सच बोले तो मुझे सच बोलना चाहिए बतौर माशरे के साथ। अगर मैं चाहता हूँ कि मिलावट से पाक चीज़ें मिले तो मुझे भी अपने कामों में मिलावट नहीं करनी चाहिए, चाहे तो मैं कोई चीज़ बनाता हूँ या मैं कुछ सर्विस देता हूँ जिसमें मिलावट ना करूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि आपस में सब जुड़ के रहें तो मुझे सबके साथ जुड़ना चाहिए। तो ये देने देने का जो सिलसिला है इसी को मुआशरा कहते हैं। और एक आज़ाद मुआशरे में जो सबसे बड़ी नेमत है वो ये है कि हमें बतौर शहरी अपने हकूक जो मुयसर होते हैं उनके ऊपर जो है वो सहूलतें मुयसर होती हैं। हाँ, कमियाँ होती हैं। हम जैसे मुल्क में जो कि पिछले कई दहाइयों से मसाइल का शिकार है, वहाँ पे कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन इसकी ना शुक्र गुजारी भी नहीं होनी चाहिए। वो कमियाँ मेरी वजह से भी हो सकती हैं, वो रियासत की वजह से भी हो सकती हैं। मैं शहरी हूँ और दूसरी तरफ रियासत है, रियासत का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। और हम दुआ हो हैं कि रियासत इस काबिल हो कि शहरी के हर जो है वो हक का तहफ़ कर सके, उसे फराहम कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये एहसास होना चाहिए कि बतौर शहरी मैं क्या करता हूँ, मुझे अपना मुहासबा भी करना चाहिए अपने घर का, अपने मोहल्ले का, इस तरह से बदलाव आता है सारा कुछ। और दूसरा एक आखिरी मैसेज जो है वो ये है, आपने सवाल नहीं किया, हमारे माशरे में सियासी बुनियादों पर बहुत ज़्यादा डिवीजन आ रही है। कुछ अक्सर अदम बर्दाश्त सामने आया है, गाली गलोच सामने आया है। सियासत को एक नज़रिया तो रखा जा सकता है लेकिन उसको मजहब का अकीदा नहीं बनाया जा सकता, जिसकी बुनियाद पर आप कहें कि कोई गद्दार हो गया है, कोई गैर मुस्लिम हो गया है या वो अकीदे से हो गया है। हमें बर्दाश्त अदा करनी चाहिए, अपना सियासी नज़रिया अपने तक रखें, दूसरे को उसका रखने दें ताकि समाज आगे बढ़ सके। वरना जिस तरह से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लग रहा है कि शायद किसी बाहर के तूफान की हमें ज़रूरत ना पड़े, जिस तरह हम बढ़ रहे हैं। तो सभी से ये दरख्वास्त है कि बर्दाश्त का जो है वो मादा अपने अंदर बनाएं और दूसरों की नज़रिए को उस तक रहने दें और ख़ुद जो है कोशिश करें कि आप अपनी मिसालें दे के जिस भी सियासी नज़रिए से, मजहबी नज़रिए से आप वाबस्ता हैं उसको इंश्योर करें। बहुत शुक्रिया।